हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है स्क्विज प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि सैंडविच थ्योरम क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम देखेंगे कि किस अप्रोच से जो है वो हम सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्लास। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट कि जो हमारा सैंडविच थ्योरम है वो क्या है या फिर स्क्विज प्रिंसिपल जिसे बोला जाता है उसका स्टेटमेंट क्या है या फिर वो टेस्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, या फिर स्क्विज प्रिंसिपल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि आपके पास तीन सीक्वेंस है, ठीक है, ए एन बी एन एंड सी एन। Be a sequence of real numbers. Still, real number की sequence है such that a n is less or equal to b n is less or equal to c n for all n greater than or equal to k. That means हमारे पास कोई एक k मिल जाए जिसके बाद मतलब कुछ terms जो है हमारे sequence a n b n और c n के उसके कुछ terms को अगर हम यहाँ से निकाल दें उस sequence में से तो जो बाकी के terms बचते हैं उसके लिए यहाँ पे inequality ये जो है वो hold कर रही है। And also limit of a n equal to limit of c n equal to l then limit of bn is also equal to l. That means कि ये जो condition hold हो रही है an bn और cn की और यहाँ पे इनकी limit जो है वो क्या है l है, किसकी, an और cn की। तो हम बोलेंगे कि bn जो है उसकी limit भी क्या आएगी, यहाँ पे l आएगी, ठीक है। तो ये जो है statement है, हमें यहाँ पे इसका जो approach है that means इसको हम कैसे use करेंगे हमारे examples में वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई sequence दी जाती है bn, तो bn की help से हम क्या करेंगे, कुछ inequalities जो basic होती उसका हेल्प से bn और cn डिफाइन करेंगे और फिर इन तीनों सीक्वेंस के लिए हम जो है an इज लेस और इक्वल टू bn और इक्वल टू cn ये जो है इनइक्वालिटी कर दिखाएंगे। फिर हम an की और bn की लिमिट डिफाइन करेंगे, अगर ये l1 है या l2 है, अगर l1 इक्वल टू जो है l2 है दैट मींस हम यहां से यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम कह पाएंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या आएगी, यहां पे l आएगी, ठीक है। तो इस अप्रोच से हम जो है एग्जांपल्स को करेंगे। तो फर्स्ट जो है मेरा एग्जांपल है हम लेते हैं वो जो है टिफर में पूछा गया है। तो एग्जांपल है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपके सीक्वेंस है, सो यहां पे इसके इक्वल क्या है वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास यहां पे bn क्या दिया है 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर प्लस जो है 1 अपॉन n प्लस 2 स्क्वायर एंड हमारे पास ये है 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर। सो मैंने जैसे कहा कि हम इसी bn से क्या करेंगे, अब an डिफाइन करेंगे और cn डिफाइन करेंगे, पर an और cn हम कैसे डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे जो बेसिक इनइक्वालिटी है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो n प्लस 1 है, ठीक है, n प्लस 1 जो है वो क्या होगा, अगर आपका n प्लस r दैट मीन्स अगर r में यहाँ पे 2 ले रहा हूँ 3 और n तक ले लूँ तो ये तो सही है, n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस r। दैट मीन्स अगर n प्लस 1 स्क्वेयर किया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, n प्लस r से क्या होगा, छोटा होगा। सो यहाँ से हमें पता चला कि भाई अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे भाई, n प्लस r स्क्वेयर से, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, That means 1 upon n plus 1 square is greater than of 1 upon n plus 2 square होगा कि नहीं, 1 upon n plus 1 square is also greater than of 1 upon n plus 2 है तो यहाँ पे 3 square, 1 upon n plus 1 square is also greater than of 1 upon n plus 4 square होगा and so on। अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 upon n प्लस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ 1 अपॉन
एन प्लस एन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आप बता दीजिएगा जरूर। अगर यहाँ पे जो है एन प्लस वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ वन अपॉन एन प्लस टू स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टर्म ऐड कर देता हूँ दैट इज वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो चुका है, वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू वन पुट कराऊँ तो ये दोनों तो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सारे टर्म्स है ठीक है, यहाँ से लेके ये टर्म ये और इन सबको क्या कर रहा हूँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इक्वालिटी जो है वो इक्वल है और बाकी की जो है वो क्या है ग्रेटर देन के फॉर्म में। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर, वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर, ये कितने टर्म्स है, ये जो है वो एन टाइम्स टर्म है कि नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा एन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ, यहाँ पे जो आएगा वो है वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू अगर हम बात करें तो ये जो लास्ट टर्म है वो है एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा कि नहीं, यहाँ से हम देखें तो ये जो है वो हमारा क्या है बी एन है कि नहीं है, दैट मीन्स हमारा एन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर जो है वो किससे बड़ा है, हमारे बी एन से बड़ा है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे वन कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम सेकंड अप्रोच फाइन करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा ये जो सी एन है वो तो हमें मिल गया, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, बी एन इज लेस देन सी एन लिख सकते हैं, बी एन इज लेस देन एन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो है हमारा सी एन हो गया। अब हम फाइंड क्या करेंगे, हमें ए एन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या यूज करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सो हमारा जो एन प्लस आर स्क्वायर जो है, ठीक है, आर चाहे आप ले लीजिए वन टू थ्री अप टू एन ले लीजिए, तो वो जो वन प्लस एन प्लस आर जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा किससे, एन प्लस एन स्क्वायर से, या इक्वल होगा। अगर मैं आर की वैल्यू जो है एन पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वालिटी होल्ड करेगी, बाकी सबके लिए क्या होगा यहाँ पे लेस देन होगा। सो मैंने यहाँ पे जैसे किया बिल्कुल वैसे कर रहे, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एन प्लस एन ले रहे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि वन अपॉन एन प्लस आर स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, देखिए। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आया, सो दूसरा जो टर्म्स, दैट मीन्स हम अगर यहाँ पे वन पुट करते तो एन प्लस वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ एन प्लस एन वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू टू पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो अगर एन प्लस एन जो है स्क्वायर इज इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। तो हमने जो किया था जैसे पिछली बार वैसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म्स है ठीक है, ये सिमिलरली हम देखें तो इसका अगर मैं एडिशन कर देता हूँ तो मेरे पास क्या टर्म आएंगे वो देखते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहाँ पे आएगा एन प्लस टू स्क्वायर प्लस सिमिलरली देखिए जो लास्ट टर्म जो है वो है वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर आएगा। अब ये जो सीक्वेंस है मतलब यहाँ पे एक टर्म्स के लिए इक्वल है बाकी सबके लिए क्या है ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स ये जो है वो सब बड़े होंगे, किससे बड़े होंगे, ये जो टर्म्स है वो कितनी बार आ रहा है एन टाइम्स आ रहा है कि नहीं, सो दिस इज एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर होगा, ये होगा। सो वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस टू स्क्वायर सिमिलरली प्लस वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, तो ये जो है वो क्या है हमारा बी एन है, बी एन है कि नहीं। अब देखते हैं ये जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, एन प्लस एन स्क्वायर से होगा। इसका मतलब ये जो वो क्या होता है n अपॉन ये जो है वो है टू एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n अपॉन फोर एन स्क्वायर है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई ये जो है हमारा ये जो है वो कैसे लिख सकते हैं n अपॉन फोर एन स्क्वायर इज लेस देन ऑफ बी एन लिख सकते, तो ये जो है हम इसको सेकंड कर देते और ये जो है इसको हम वन कह रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा अब ए एन हो जाएगा कि नहीं, हमें क्या फाइंड करना था, ऐसे ए एन और सी एन फाइंड करने थे सी एन की क्या हो जाए हमारी जो ए एन इज लेस और इक्वल टू बी एन लेस और इक्वल टू सी एन हो जाए, ठीक है। कुछ अगर हम टर्म्स को छोड़ दें तो यार नहीं छोड़ दे तो भी, सो यहाँ पे हम देखें एन ग्रेटर इक्वल टू फोर, ओके। सो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस आई है वो कौन सी आई है, यहाँ पे जो है हमारा ए एन जो है वो है एन इंटू वन अपॉन फोर एन स्क्वायर है, ठीक है। नाउ दैट इज लेस देन बी एन, और यहाँ पे ये टर्म जो देखा जाए वो क्या है बी एन इज ऑल्सो लेस देन एन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर, ये है कि नहीं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला भाई हमारे पास ऐसे ए एन और
जो है हमने ए एन फाइन कर दिया और सी एन भी फाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की लिमिट फाइन करनी है। इन दोनों की जो लिमिट है वो इक्वल आती है नहीं, वो मुझे चेक करना होगा। सो मेरे पास यहाँ पे जो ए एन है हमारा, यहाँ पे ए एन है, उसकी मैं लिमिट यहाँ पे फाइन करता हूँ 1/4 n square, दैट इज यहाँ से क्या आएगा 1/4 n। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/4 n दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये होगा कि नहीं, अगर दूसरा हम चेक करें हमारा जो bn है वो क्या है, n/(n+1)2 है। तो इसको अगर हम मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ अगर यहाँ से जो है वो n को कॉमन ले लेते हैं, अगर नहीं लेते तो भी देखिए n जो है वो यहाँ पे क्या है n+1² है कि नहीं। सो यहाँ से क्या होगा, ये लिमिट जब हम करेंगे तो अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, चलिए तो आपको समझ में आएगा, n स्क्वायर होगा 1/1 n² यहाँ पे क्या है n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर bn करते हैं, तो bn क्या है हमारा, bn दैट इज इक्वल टू 1/(n)(1+1)n। सो ये जो है सीक्वेंस इन द फॉर्म है 1/(n)(1+1)n। ये सीक्वेंस कैसे बाउंडेड है, ये सीक्वेंस जो है वो नल सीक्वेंस है। नल सीक्वेंस क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो इसके लिमिट जो है वो जीरो पे कन्वर्स करें, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, आएगा जीरो। और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an भी क्या है हमारे पास, आया है जीरो। सो अगर हम यहाँ पे लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करते, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हमारी जो है वो है n/(1/4)2 दैट इज लेस और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn दैट लेस और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/(n+1)2। सो इसकी लिमिट क्या आ रही है, जीरो है। लेस और इक्वल टू यहाँ पे हम देखें तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट bn आएगा, दैट इज लेस और इक्वल टू जीरो। सो दोनों की लिमिट जो है वो कैसे, इक्वल है कि नहीं, सो इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे जो है an जो है वो क्या है हमारा 1 bn था। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn इक्वल टू जीरो। नाउ अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn देखा जाए तो क्या है, n+1² + 1/(n+2)² + (up to) 1/(n+n)² इसके इक्वल है जीरो। सो ऐसे जो है वो हम यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट जो है वो सीक्वेंस की क्या आएगी। और उसके जो आपको फाइंड करना होगा वो क्या होगा भाई, an और bn फाइंड करना होगा, और उसके बाद जो है उसकी लिमिट क्या आएगी वो भी आपको फाइंड करना होगा। तो आई होप आपको ये जो है लेक्चर पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। सेकंड जो एग्जांपल्स है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कुछ इस प्रकार से है, तो देखते हैं कि एग्जांपल टू क्या है। मान लीजिए एग्जांपल टू है वो है an^(bn)n। ये जो है आपकी सीक्वेंस है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे bn बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस है और a और b के बीच में ऐसा रिश्ता है, जीरो इज लेस देन a दैट इज लेस देन b, ठीक है, आपको इस फॉर्म में दिया है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है ऐसी है, हमें यहाँ पे जो है वो क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ये जो bn है वो क्या आएगा, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या अप्रोच होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए, हम जो है ऐसे ऐसे लेक्चर आपके लिए लेके जरूर आएंगे। तो हमें जो ये इक्वालिटी जो दी है उसकी हेल्प से हम जो है इस सीक्वेंस को लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, और वहाँ पे जो है हम स्क्वीज प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम जो है उसका यूज करेंगे। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है हमारा, छोटा है बी से, ठीक है, छोटा क्या है बी से। तो फॉर n belongs to n के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, an is also is less than equal to bn, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ जो है वो bn को ऐड कर रहा हूँ, अगर दोनों तरफ हम bn ऐड करें तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी बनेगी, an plus
b टू दी पावर n इज लेस देन ऑफ b टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ b टू दी पावर n होगा. सो क्या हुआ मेरे पास, ए एन प्लस बी टू दी पावर एन इज लेस देन ऑफ ट्वाइस ऑफ बी टू दी पावर एन. नाउ यहाँ पे क्या है कि मैं दोनों तरफ जो है वो nth रूट ले सकता हूँ, n बिलोंग्स टू n के लिए. अगर मैं दोनों तरफ nth रूट लेता हूँ तो भी क्या होगी, इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी. सो दैट इज लेस देन, यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटू बी टू दी पावर एन पावर वन बाय एन. अब देखिए यहाँ पे इसको के इक्वल में आएगा टू टू दी पावर वन बाय एन और बी. सो मेरे पास यहाँ से क्या आया कि ए एन प्लस बी, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन की होल पावर वन बाय एन इज लेस देन ऑफ ट्वाइस ऑफ टू पावर ए एन इंटू बी. ये होगा, होगा कि नहीं. यहाँ पे हमारी ये जो सीक्वेंस है उसको हम बी एन बोला है, तो ये जो बी एन है वो जो है हमारी सीक्वेंस टू पावर वन बाय एन इंटू बी से छोटा है, दैट मीन्स अगर हम इसको सी एन बोल सकते हैं. चलिए इसको हमने कह दिया है वन, ठीक है. अब देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा हम ए एन अब फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो हम कैसे करेंगे, ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए इज लेस देन क्या है, बी है कि नहीं है, है ना भाई. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये है कि नहीं. सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो बी, ए अपॉन बी जो है वो क्या है, वन से छोटा है कि नहीं है, है ना. देखिए अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, ए एन, ये हमारी जो बी एन है वो है ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन टू दी पावर वन बाय एन. अब मैं यहाँ से अगर बी को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, किसको ले रहा हूँ कॉमन, बी को. अगर बी को कॉमन ले तो बी की पावर एन और उसकी वन बाय एन पावर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी. अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए टू ए अपॉन बी पावर एन प्लस वन टू दी पावर वन बाय एन, ये होगा. अब देखिए यहाँ पे ए अपॉन बी टी पावर एन है, ये जो है वो जीरो से तो बड़े थे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो और वन के बीच में आएगी और उसकी पावर है और फिर वन प्लस वन अगर हम ऐड करते हैं उसमें तो वो क्या होगी, वन से तो बड़ी होगी एटलीस्ट, और वन से बड़ी हो रही है और यहाँ पे उसका अगर हम एंथ रूट निकाल रहे, दैट मीन्स ये जो पूरा टर्म्स है वो वन से बड़ा होगा. अगर वन से बड़ा हो रहा है बी इंटू समथिंग, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये जो टर्म्स है हमारा वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा. किससे, बी से बड़ा होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि बी जो है उसको मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जो है वो बी से बड़ा होगा. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बी एन जो है वो बी से बड़ा हो रहा है, किससे बड़ा हो रहा है, बी से. और हम जब कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करते हैं तो कांस्टेंट सीक्वेंस में सारे जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई एक रियल नंबर होता है कि नहीं होता. सो इसको हम अभी ए एन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बच्चों, बोल सकते ना. तो ये जो है हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी आ गई. तो हम वन और टू से क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बी एन है वो क्या है, बी से बड़ा है और क्या है, टू टू दी पावर वन बाय एन इंटू बी से क्या है, छोटा है. सो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा लेस देन. सो यहाँ से वन से और टू से हमारे पास जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी इज लेस देन बी एन इंटू टू पावर वन बाय एन इंटू बी. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट दोनों तरह अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी एन इज लेस और इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टू पावर ए एन इंटू बी, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक और रिजल्ट रिकॉल कराऊंगा जो हमने पिछली क्लास में भी दिया था, कि मान लीजिए कि आपके पास ए इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, और आपको दिया है ए टू दी पावर एक्स एन और उसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है एन टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो वो क्या हो जाएगी, ए टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन डेट इज इक्वल टू ए टू द पावर जीरो इक्वल टू वन. तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होता है. सो यहाँ पे हम उसी रिजल्ट को यूज करेंगे. तो ये तो कोई कॉन्स्टेंट नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी एन और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बी कोई कॉन्स्टेंट नंबर है और ए जो है हमारा क्या है, टू जो है वो आपके लिए क्या है, ए मान सकते टू पावर वन बाय एन, डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पावर जीरो डेट इज इक्वल टू वन. सो यहाँ पे बी इंटू क्या आएगा, वन आएगा. सो हमारे पास इनइक्वालिटी अगर हम बात करें तो ये आपका ए एन था
वो उसकी लिमिट भी क्या आई बी आई, और जो बी एन मतलब सी एन था उसकी लिमिट भी क्या आई आपके लिए बी एन आई, और जो इक्वालिटी थी हमारे पास होल्ड करने के लिए कौन सी भाई सैंडविच थ्योरम के लिए कि ए एन इज लेस और इक्वल टू बी एन और सी एन, तो ये सब जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट बी एन दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बी। सो यहाँ से हमारे पास जो बी एन थी वो क्या थी लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट बी एन था, वो था ए एन टू द पावर ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन टू द पावर वन बाय एन दैट इज इक्वल टू बी, और बी जो था ए और बी के लिए हमें क्या कहा था भाई जीरो इज लेस देन ए लेस देन बी। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा इसके लिमिट बनेगा, ठीक है, जो भी बड़ा नंबर हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका क्या आंसर आएगा वो आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर है आप क्या कीजिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि मान लीजिए कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 3 पावर n प्लस 4 पावर n टू दी पावर 1 बाय n तो इसके लिमिट क्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे भी पूछ सकता है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 5 पावर n प्लस 6 टू दी पावर n टू दी पावर 1 बाय n, और तीसरा यहां पे क्वेश्चन जो है वो है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तीसरा जो क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 10 टू दी पावर n प्लस 100 टू दी पावर n टू दी पावर 1 बाय n। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो है वो आपको आंसर जो है वो क्या करना है कमेंट करके हमें देखना है कि ये आपका जो आंसर है वो क्या रहा है। खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा और इस रिजल्ट्स का भी यूज कीजिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके लिए वो है हमारे पास जो एग्जाम्पल जो है वो हम समझ लेते हैं कि इस एग्जाम्पल को मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, पर स्क्वीज प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। वो जो एग्जाम्पल है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट साइन एन अपॉन एन है, तो उसकी लिमिट क्या आएगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बी एन दिया है वो क्या है भाई आपका जो बी एन है वो है साइन एन अपॉन एन, ये है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो एन है वो कहाँ से नेचुरल नंबर से, तो इसकी क्या लिमिट आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो साइन जो है उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही होगा, ठीक है, माइनस वन और प्लस वन के बीच में होगा किसी भी एन के लिए हम ये जानते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे सभी टर्म जो है उसको मैं एन से डिवाइड कर देता हूँ जहाँ पे एन जो है वो क्या है एन बिलोंग्स टू एन है, तो हमारे पास जो एन इक्वालिटी होल्ड करेगी तो ये क्या हो जाएगा साइन एन अपॉन एन दैट इज लेस देन और इक्वल टू वन बाय एन, ये होगा। सो हमारे पास ये क्या है आपकी बी एन है वन अब माइनस वन अपॉन एन लेस और इक्वल टू बी एन लेस और इक्वल टू हमारे पास क्या है वन बाय एन है कि नहीं। सो हमारे पास ये तो टर्म आ गई, तो हमारे पास जो एन है वो क्या है भाई माइनस वन अपॉन एन है। इसके अगर हम लिमिट फाइंड करें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन दैट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन एन इक्वल टू जीरो, और अगर हम हमारी जो सी एन है उसकी बात करें तो वो है वन अपॉन एन, तो उसके अगर हम लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन इक्वल टू क्या आएगा जीरो आएगा। तो अब हम क्या करते हैं जो हमारी ये जो टूल्स आया है हमारे पास उस ये जो इनइक्वालिटी आई है उसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी एन लेस और इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन बाय एन। सो इसकी जो आएगी वो आएगी लिमिट जीरो, हमने देखा है इसकी जो है लिमिट है एन टेंस टू इनफाइनाइट बी एन लेस और इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी एन इक्वल टू क्या है जीरो है। सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी एन, अब बी एन जो है वो क्या थी आपकी थी साइन एन अपॉन एन दैट इक्वल टू जीरो। इसको जो है हम नल सीक्वेंस और बाउंडेड वाला जो रिजल्ट था उसकी हेल्प से भी कर सकते थे, और यूजिंग सैंडविच थ्योरम कैसे कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ये जो था आज का हमारा क्लास था, यहाँ पे मैं एक आपको और एग्जांपल जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए और उसके लिमिट क्या रही है वो हमें क्या करिएगा कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। आप में से जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो देखते जरूर है पर एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं जो है वो लोग मतलब डर रहे हैं कि एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को वो पूछता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको जो है वो दी हुई है सिक्वेंस आपको फाइंड करना है लिमिट
लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और जो सीक्वेंस है वो है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहाँ पे जो है वो है एन स्क्वायर प्लस टू प्लस अप टू क्या है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा वो आपको क्या करना है कमेंट में करना है और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हमने अलग से सीरीज स्टार्ट की है तो आप उसको भी जरूर देखिए, वो भी IIT एग्जाम नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आती है सेट उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है तो आप वहाँ से भी हमारे लेक्चर अटेंड कीजिए। हम 110% गारंटी देते हैं कि आप जो है सिर्फ उसी क्लास से ही आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो कवर हो जाएगा फुली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बताइएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।